लेकिन साथ ही हमारे साथ अब अविनाश गोरक्षकर हैं, प्रदीप सुरेख हैं और साथ ही के सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबसे बात करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में एक बार फिर से शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले सुब्रमण्यम, आज जिस तरह के ओपनिंग के संकेत हैं, आप एसजेएक्स निफ्टी को भी देखिए, जिस तरह का फ्लैटेस्ट रुझान इस समय देखने को मिल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आज इंडेक्स में? मीर, आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन पे है कि शायद रेट कट का, और कल हमने ऐसे रेट सेंसिटिव में हमने बढ़त देखी है, लेकिन मेरा मानना कि 7,550 7,600 के आसपास मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और खास करके यहाँ पर काफ़ी बढ़त ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो आई थिंक वो एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। लेकिन एक अगर हम एक कॉल पुट के ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगर बात करें, तो हम 7,400 के पुट और 7,600 का कॉल बेच के चलने का हम राय दे रहे हैं, तो आई थिंक ओवरऑल वो बेटर स्ट्रैटेजी हमें लग रहा है कि शायद जहाँ पर प्रीमियम श्रिंक होने की पॉसिबिलिटी है उसका फायदा उठाएं। कोई डायरेक्शनल ट्रेड आई थिंक करंट लेवल पे शॉर्ट या लॉन्ग आई थिंक थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है, थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, एक फ्रेश ब्रेक करिए। चलिए बात करते हैं आज की उन 20 कॉल्स में जो आज फास्ट मनी में शामिल की गई। आइए देखते हैं फास्ट मनी अपडेट। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया में खरीदारी कीजिए, आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करने के साथ अच्छे मोमेंटम में शेयर है, 23 रुपये का लक्ष्य होगा। इसके अलावा कैपिटल फर्स्ट में खरीदारी करने के साथ फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, 410 रुपये का लक्ष्य होगा। पेंट शेयरों में आज के ट्रेड में एक उछाल देखने को मिल सकता है, एशियन पेंट बतौर मेरा ईपीएस शेयर होगा, 950 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। वोकहार्ट फार्मा में मजबूती लगातार बनी हुई है, 1,015 रुपये का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। इसके अलावा बैटरी शेयर में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, एवरेडी में खरीदारी करने की सलाह होगी, 248 रुपये का टारगेट रखना है आपको। रैमको इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह होगी, 92 रुपये 50 पैसे का टारगेट रखना है। लेकिन दो शेयर इलाहाबाद बैंक और जीएमआर इंफ्रा में बिकवाली करने की सलाह होगी, दबाव देखने को मिल सकता है आज के ट्रेड में। और थिरुमुराई केमिकल होगा आज के लिए मेरे सुपरहिट शेयर, जिसमें कि आज के ट्रेड में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर यह शेयर बंद हुआ है, 225 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। मैं आपको 10 के 10 रेट खरीदा के बताए थे, और यूबी ग्रुप की जो दो कंपनीज यूनाइटेड ब्रिवरीज और यूबी होल्डिंग्स, इन दोनों कांडोस में खरीदारी करने की राय दी थी। यूनाइटेड ब्रिवरीज में हैनेकेन अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना, जिसके लिए जेएम फाइनेंशियल को नियुक्त किया गया है। यूबी में तेजी देखने को मिली, लेकिन उससे ज्यादा अगर यूबी होल्डिंग्स में तेजी देखने को मिलेगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके अलावा एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स, टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सनफ्लैग आयरन बैंक ऑफ जापान का अगर पॉजिटिव आउटकम आता है, तो जापान से एसोसिएटेड कंपनीज ना केवल सनफ्लैग आयरन जैसी, प्रीकॉल जैसी, मारुति जैसी, इनमें एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप इंटरडे बेसिस पे करके चल सकते हैं। फाइजर में जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है फैसले पर, उसका एक रिवर्सल आज इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर जो एक शिप बेचने की योजना है, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इंडिगो जो क्रूड में गिरावट आई है उसकी वजह से शायद एक तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। और आखिर में एनबीएफसी कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प, इसमें 95 तक के जो जोन है वो आज देखने को मिल सकते हैं। कल की जो तेजी है एनबीएफसी की आज भी जारी रह सकती है।